दोस्तों आप सभी ये डिब्बे देख रहे हैं, इस तरीके के डिब्बे हम सभी के घरों में आते ही रहते हैं। कुछ ना कुछ चीज़ आती ही रहती है जिससे इस तरीके के बहुत सारे डिब्बे इकट्ठे हो जाते हैं और उसको हम लोग कहीं ना कहीं फेंक ही देते हैं। समझ में नहीं आता कि इन डिब्बों का आखिर होगा क्या, क्या किया जाए, तो फेंक ही देते हैं। तो चलिए आज इनका हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं कि इनका हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम बड़े छोटे डिब्बे के हिसाब से ही इनका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। बड़े डिब्बे का इस्तेमाल हम फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए, इस तरीके से बड़े डिब्बे का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। जैसे डलिया वगैरह में रखते हैं तो इस तरीके से हम लोग बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रूट्स को ज़्यादा फ्रेश और ताज़ा रख सकते हैं और इस तरीके से बंद करके इनको हम फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम करना चाहें तो हम फ्रूट्स को ऑलरेडी धुल करके ही रखें फ्रिज में, बॉक्स में, इस तरीके से तो हमारे बॉक्स में भी डस्टिंग नहीं जाएगी और दूसरा हमारे फ्रूट्स को जब हम निकालेंगे तो डायरेक्ट काट करके उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें बार बार धुलने की ज़रूरत नहीं रहेगी और हमारा बॉक्स भी ये गंदा नहीं होगा। अगर हम दूसरा इस्तेमाल हम इसको कर सकते हैं इस तरीके से टमाटरों को रखने में, और जब आप फ्रिज में किसी डिब्बे में लगा करके इस तरीके से, जैसे डलिया ज़्यादा जगह घेरती हैं, अभी आप देख रहे हैं इतनी बड़ी डलिया में मैंने फ्रिज में रखा हुआ था क्योंकि इतनी सब्जियां, इतना सामान हो जाता है कि ऑलरेडी हमारा फ्रिज खुली हो जाता है सभी का। तो इस तरीके से हम लोग इसमें स्टोर करके, इस तरीके से हम लोग टमाटर को इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं और आप देखिए देखने में भी ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और इसके साथ ही हम इसको भी धुल करके इस तरीके से रख सकते हैं और जब भी हमें सब्जी में इनका इस्तेमाल करना हो, दाल सब्जी वगैरह में, तो हम डायरेक्ट निकाल करके इनका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ठंडी में बार बार हाथ धुलने से बचा जा सके और हमारे हाथ बार बार गीले भी नहीं होंगे। और जब हम फ्रिज में इस तरीके से के ऊपर एक इस तरीके से स्टोर करके रख देंगे तो हमारे फ्रिज में जगह भी काफ़ी रहेगी और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा कि इस तरीके से सारे सामान को रखा हुआ है। तो इनमें कोई हम टमाटर वगैरह वैसी चीज़ नहीं रख सकते हैं, तो इनका इस्तेमाल हम इस तरीके से करेंगे कि जैसे ये डलिया में फ्रिज, ये डलिया में मिर्च रखी हुई है तो इनको हम इस तरीके से इसमें डाल करके रख सकते हैं और ये लंबे समय तक फ्रेश रहेंगी इसमें, लंबे समय तक। और इनको हम अच्छे तरीके से रख के और इसका ढक्कन लगा करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से दो डिब्बे हमारे तैयार हो गए हैं। चलिए देखते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। ये बहुत ही छोटा सा डिब्बा है, इसमें अनानास कट हुआ आया था, इस तरीके की तीन बॉक्सेस आए थे तो कहीं ना कहीं वो होंगे और मैं रख देती हूँ कि कहीं ना कहीं इस्तेमाल में हमारे आएंगे। तो ये मैंने बहुत सारी धनिया साफ कर ली है, साफ करके मैंने रख लिया है। तो इस धनिया को हम इस छोटे से बॉक्स में इस तरीके से भर करके फ्रिज में लगा देंगे ताकि हमें जब भी ज़रूरत पड़े, क्योंकि हर एक चीज़ में ही हरी धनिया पड़ती है, इस समय तो खूब भर भर के आ रही है। तो इस तरीके से हम अपने फ्रिज में इनका स्टोर कर सकते हैं और हमारे फ्रिज में जो बड़ी बड़ी डलियां रखने की वजह से पूरा फ्रिज हमारा बंद हो जाता है, भर जाता है, तो उससे हमें निजात मिलेगी और हमारा सामान रखा जाएगा। तो इसमें तो जो है वो रहेगा ही रहेगा। इसके साथ ही हम इस तरीके से डिब्बों में सामान को स्टोर कर लेंगे तो हमारा फ्रिज में स्पेस भी बचेगा और हमारा सामान भी लंबे समय तक घरों में इस तरीके के कॉटन बैग जो होते हैं, सॉफ्ट वाले, पॉलीथीन के नहीं होते हैं, इस तरीके वाले जो हमारे बैग होते हैं, ये इस तरीके के बैग आते रहते, पड़े रहते हैं या कई बार हम लोग इनको बगैर यूज़ किए हुए इनको फेंक देते हैं। तो फेंकना तो है ही, लेकिन इनका पहले हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ये मैंने बथुआ इस तरीके से साफ़ कर लिया है। आप कोई भी सब्जी हो, पालक हो, मेथी हो, बथुआ हो, आप साफ़ भी अगर ना करें और बगैर धुले हुए अगर साफ़ कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन धुले नहीं। इसको क्या करना है कि इसी बैग में हमको इसको करके रख देना है या फिर एक अखबार में आपको अच्छे तरीके से फोल्ड कर देना है। तो ये आपका कम से कम हफ्ते भर तक बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं, ऐसा ही फ्रेश रहेगा इसकी वजह से। लेकिन अगर आप ऐसे खुला हुआ रख देते हैं या पॉलीथीन में रख देते हैं, पॉलीथीन में ख़राब हो जाएगा और खुले हुए में ये सूख जाएगा। अगर आप फ्रिज में रखना चाहें तो फ्रिज में, फ्रिज में ना रखना चाहें तो आप इसको बाहर भी इस तरीके से रख सकती हैं और आपका हफ्तों तक ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसमें हवा लगती रहती है और पॉलीथीन में हवा बिल्कुल भी नहीं लग पाती है। तो मैंने इस तरीके से बथुआ को इसमें डाल दिया है और हम इसको इस तरीके से फ्रिज में रख सकते हैं आराम से ऐसे, और ये हमारा हफ्तों तक ऐसे ही फ्रेश रहेगा। आप हफ्तों तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्रिक को आप ज़रूर अपना के देखिएगा, आपको एकदम सही ट्रिक मिलेगी इस तरीके से। और जब हमें कट करना होगा तो हमारा साफ हुआ तो रखे ही है, बस हम इसको धुलेंगे, कट करेंगे और बना लेंगे। तो वैसे तो नॉर्मल तौर पे सभी के यहाँ पर इस तरीके से हैंड वॉश ही आजकल इस्तेमाल होता है, चाहे वो पाउच में लेकर के आए और इस तरीके की से बॉटल में करते रहें पहले से किसी बॉटल में, और जो लोग इस तरीके से जैसे हैंड वॉश का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो
इस तरह से बचे हुए जो साबुन के टुकड़े इस तरीके से बच जाते हैं, साबुन जो छोटा हो जाता है, इस तरीके से फिर इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम इनको फ्लोर पर इस तरीके से रखते हैं, जैसे हम इस तरीके से रखते हैं, तो फिर यहाँ पे साबुन होता रहता है और ये पिघलता रहता है और गंदगी भी होती रहती है। उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके का कोई भी ढक्कन लेना है किसी भी चीज़ का, थोड़ा सा मतलब ऐसे बड़ा होना चाहिए, जैसे ये है, किसी पेप्सी बोतल वगैरह का भी आप ले सकते हैं, और इस तरीके से आप गीले साबुन में इसको घुसा दीजिए। तो बस गीले साबुन में बहुत ही अच्छे तरीके से, थोड़ा सा ही इस तरीके से जाएगा और अब ये बिल्कुल भी नहीं पिघलेगा। अब आप देखेंगे ये बिल्कुल ऐसे ही रखा रहेगा, जब भी आपको इस्तेमाल करना हो आप उठाएं, इस तरीके से इस्तेमाल करें और दोबारा से इसको फिर से आप इस तरीके से रख दें। तो ये बहुत ही अच्छा सा स्टैंड है, बहुत ही अच्छा सा ये आइडिया है, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मेरे ये बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, तो मैंने तेजाब वगैरह डाल के बहुत ज़्यादा इसको कोशिश किया साफ़ करने का, मगर साफ़ ये नहीं हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे चेंज करवाना पड़ेगा इसको। तो देखती हूँ कि कब तक ये चेंज होता है। रोज़मर्रा में काम आने वाले हमारे ये ट्रिक्स और टिप्स आप सभी को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप भी ऐसे छोटे छोटे से यूजफुल टिप्स से अपने आप को स्मार्ट हाउसवाइफ बनाएं, स्मार्ट वुमन बनाएं, इससे आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।